माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से 150वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और राजस्थान का मुख्यमंत्री मेवाड़ का गांधी है, इससे बढ़िया संयोग कोई हो नहीं सकता शराबबंदी के लिए। तो मैं सदन के सभी सदस्यों से, आपसे ये निवेदन करता हूं कि शराबबंदी के लिए जनमत कराया जाए, जनता की राय जानी चाहे कि प्रदेश की जनता क्या चाहती है, शराबबंदी को लागू रखना चाहती है या इसे बंद शराबबंदी लागू करना चाहती है। हम सब जानते हैं कि शराब अपराधों की जननी है और बहुत से परिवार शराब के सेवन से निम्न स्तर का जीवन यापन कर रहे हैं। बच्चों की परवरिश सही ढंग से नहीं हो पाती है और उसके बाद शराब से जनित जो बीमारियां हैं उनके इलाज में चली जाती है और परिवारों को सही जिंदगी जीने का अवसर प्रदान करवाएं। केवल राजस्व प्राप्ति के लिए शराब की बिक्री का मैं इस सदन के मार्फत, आपके मार्फत विरोध करता हूं। अक्सर शराब की दुकानें लगाने की जगह का वहां के आसपास रहने वाले लोग विरोध करते हैं। नियम इस तरह के हैं कि दुकान वहीं लगती है जहां शराब का ठेकेदार चाहता है और अधिकारी उसमें सहयोग करते हैं। नियम यह है कि स्कूल और मंदिर के पास शराब की दुकान नहीं लगेगी, लेकिन जो स्कूल और मंदिर की परिभाषा है वो इस तरह की बनाई गई है कि उसमें गांव के स्कूल और मंदिर कवर नहीं होते, उस परिभाषा में नहीं आते। मेरा आपसे निवेदन है, सरकार से निवेदन है आपके मार्फत कि सभी स्कूलों को और मंदिरों के पास शराब की दुकानें नहीं लगने दी जाए, घनी आबादी के बीच भी शराब की दुकानें नहीं लगने दी जाए। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको मेरी बात रख रहा हूं कि नीम का थाना मेरे निर्वाचन क्षेत्र से, वहां भूदोली रोड पर एक शराब की दुकान लगनी थी। एक अध्यापिका जो एक प्राइवेट स्कूल चलाती थी मेरे पास आई और उसने मुझसे निवेदन किया कि पिछली बार भी शराब की दुकान मेरे स्कूल के पास चलती थी, वो थोड़ी दूरी पे थी, लेकिन वहां पर लोग शराब पीकर इतना परेशान करते थे लोगों को, आने जाने वाली महिलाओं पे छींटा कश्ती करते थे और स्कूल में पढ़ने आने वाले बच्चों पे उसका बहुत गलत असर पड़ता था। अब इस बार दुकान स्कूल के और पास स्थापित की जा रही है। मैंने आबकारी निरीक्षक से बात की, उन्होंने लीपापोती कर दी। नहीं, जिला आबकारी बच्चों का स्कूल है, ऐसी क्या परिभाषा है जिसके अंदर ये, जिस परिभाषा में ये स्कूल नहीं आता। मैंने भी नियमों का हवाला देकर जिला आबकारी अधिकारी से ये निवेदन किया कि इसे जिलाधीश के पास जो कमेटी बनने का नियमों में प्रावधान है उस कमेटी में इस मामले को रखा जाए। उन्होंने मुझे ये कहा कि साहब हम ये मामला जिलाधीश की कमेटी में रख देते हैं, लेकिन इसकी सुनी आचार संहिता लगी हुई है, इसके हटने के बाद होगी। आचार संहिता हट गई, दुकान आज भी बदस्तूर वहां लगी हुई है, उस जिलाधीश की कमेटी की आज तक मीटिंग नहीं हुई। मैं इस सदन के माध्यम से इस मामले की जांच करने की मांग रखता हूं और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। शराब की दुकानें खुलने की समय सीमा तय है सरकार द्वारा, 8 बजे, 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी, लेकिन किसी भी दुकान के पास जाके देख लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में, आसपास में कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ना कोई ऐसी जगह मुकर्रर है जहां
जहां पे शराब मिलती है 24 घंटे मिलती, और ऐसी भी जगह है जहां बैठकर पीने की भी सुविधा है। एक खेल और अधिकारियों की मिली भगत से चल रहा है अनधिकृत दुकानों का। एक पंचायत में एक अधिकृत दुकान होती है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा अनधिकृत होती है। एक ठेकेदार एक दुकान के पैसे सरकार को देता है और अपने क्षेत्र में, क्षेत्र बटे हुए हैं उनके, पुलिस की और आबकारी विभाग की मिली भगत से कई अवैध दुकानों का संचालन करता। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पे सख्ती से रोक लगाई जाए। अभी पिछले दिनों सरकार ने आबकारी नियमों में मार्च 2018 में परिवर्तन किया। उसका कुछ आयुर्वेदिक दवाई, एक आयुर्वेदिक दवा आसव अरिष्ट का उत्पादन होता है, जिस पर पहले ₹50 का लाइसेंस लिया जाता था और ₹20 बोंड की फीस ली जाती थी, कुल ₹70 लगते थे। इस दवा में बाहर से अल्कोहल का कोई मिश्रण नहीं किया जाता, इसमें कुछ ऐसे प्राकृतिक द्रव्यों का समावेश होता है जिससे सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल 2-5% उत्पन्न होता है। अब आबकारी विभाग ने मार्च 2018 से लागू नए नियमों में ऐसे उत्पादों की अलग श्रेणी को न रखकर अफीम और भांग और ज्यादा अल्कोहल युक्त जो औषधियां हैं उनके साथ में इसको रख दिया है, कोई अलग श्रेणी नहीं की, जिसकी वजह से उत्पादों को इस भारी फीस से छूट दी जाए ताकि इन आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण चालू रह सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार का निवेदन करता हूं। हम सब आम आदमी डरता है, अपराधी पुलिस से नहीं डरता है। यही कारण है कि हमारे राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। राजस्थान पहले बहुत शांति प्रिय राज्य था। हम पहले सुनते थे कि बिहार में, यूपी में बड़े 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 जघन्य जो अपराध हैं वो होते हैं, लेकिन वही अपराध आज हमारे यहाँ आम हो गए। यह भी आम धारणा है कि अपराध पुलिस की सांठ गांठ से होते हैं। अपराधी निरंकुश घूमते हैं एवं पकड़े जाने पर जल्दी छूट जाते हैं एवं बाहर आने के बाद फिर अपराध करने लग जाते हैं। आज महिलाओं व एससी एसटी से संबंधित कानूनों का भी गलत उपयोग किया जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन कानूनों की समीक्षा की जाए और इनके गलत उपयोग को रोका जाए। आज हालात ये है कि आम आदमी की रिपोर्ट बगैर सिफारिश दर्ज नहीं होती, दर्ज हो जाती है तो लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई होती है तो सभी अपराधियों पर नहीं होती, और अगर होती है तो उसमें कुछ धाराएं जो हल्की हैं उन्हें जोड़कर ही निपटारा कर दिया जाता है। पुलिस के खाली पदों को भरने का भी सरकार से अनुरोध करता हूं एवं जरूरत के हिसाब से थानों में नए पद स्वीकृत करने के भी निवेदन करता हूं। मैं पुलिस कर्मियों के वेतन एवं भत्तों की में वृद्धि करने की एवं पुलिस को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने का भी अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।